बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है निम्नलिखित को कैसे बनाओगे या निम्नलिखित को कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रश्नों को पूछे जाने का एक जो पैटर्न है, तरीका है, वो चलन में है। आज के एजुकेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और यही वजह है कि बच्चों मैंने बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके सामने लेने की कोशिश की है। तो बच्चों मैंने लिया हुआ है निम्नलिखित को कैसे बनाओगे। ठीक है, या निम्नलिखित से प्रारंभ करके निम्नलिखित को कैसे बनाओगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने जो सबसे पहला प्रश्न लिया हुआ वो है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। मैंने दूसरा प्रश्न लिया है बच्चों बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। मैंने तीसरा प्रश्न लिया बच्चों बेंजीन से टोलुइन, और उसके बाद मैंने चौथा प्रश्न लिया बच्चों बेंजीन से बीएचसी। ठीक है, ये बी एस नहीं है, बी एच होगा वो, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बच्चों। ये बी एच है, ठीक है, बी एच सी, बी एच सी, दैट इज कॉल्ड बी एच सी। ठीक है, तो इनको एक एक करके बच्चों को बनाना। मैं सबसे पहला वाला पॉइंट आपके साथ ले लेता हूं। बच्चों मैंने सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने ले लिया है वो है, आप देख पा रहे हो, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, मैंने सबसे पहले बेंजीन ले लिया हुआ है। बेंजीन का अणु सूत्र बच्चों C6H6। बच्चों बेंजीन को मैंने HNO3 के साथ सबसे पहले केमिकली रिएक्ट किया, तो क्या होगा, बेंजीन का जो एक एच है वो HNO3 के OH वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, और एच और OH मिलकर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जल का एक अणु जो है वो बाहर चला जाएगा। शेष जो पार्ट होगा ये बेंजीन रिंग होगा, और ये पूरा NO2 जो ग्रुप आप देख रहे हो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये जुड़कर इस तरह से बच्चों जो कंपाउंड बनाएगा, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों इस तरह से हम बेंजीन से क्या बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन पर चलते हैं बच्चों जल्दी से। और अगली रिएक्शन मैंने आपके सामने ली है, मैंने लिया बच्चों बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बच्चों मैंने फिर से बेंजीन ले लिया है, और उसको डायरेक्टली मैंने क्या किया, हेलोजन जैसे क्लोरीन से मैंने उसको केमिकली रिएक्ट किया। तो बच्चों क्या होगा कि बेंजीन का एक एच हेलोजन के एक सीएल वाले पार्ट से अभिक्रत हो जाएगा, और ये सबसे पहले क्या कर देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को अलग कर देगा, उससे HCl निकल जाएगा। शेष जो पार्ट बचेगा बच्चों क्लोरीन एक अणु बचेगा, क्लोरीन का एक परमाणु, ये जाकर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा बच्चों इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों, याद रखेंगे कि ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में हमने उत्प्रेरक FeCl3 भी इस्तेमाल किया है, और बच्चों हमने अभिक्रिया में यहां पर देख रहे हो आप डेल्टा बनाया, मतलब हम अभिक्रिया को ताप भी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये अभिक्रिया जो है वो उच्च ताप पर संपन्न होगी। बच्चों इसके अलावा मैंने जो अगली अभिक्रिया आपके सामने ली है वो मैंने लिया हुआ है बेंजीन से टोल्यूइन। तो बच्चों जब हमको बेंजीन से टोल्यूइन बनाना होता है, तो बेंजीन से टोल्यूइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, यहां पर लिया हुआ है बेंजीन, और बच्चों मैंने साथ में लिया हुआ है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, बेंजीन का ये एच वाला भाग क्लोरोमीथेन के सीएल वाले भाग से रिएक्ट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाएगा। बच्चों जहां से एच हटेगा उसके पास जाकर ये CH3 वाला जो भाग है वो जाकर जुड़ जाएगा, और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे मेथिल बेंजीन, या इस मेथिल बेंजीन को ही आप किस नाम से जानते हो बच्चों, इसको आप कहते हो टोल्यूइन। बच्चों ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के बारे में आप याद रखिए कि ये एक नाम अभिक्रिया भी है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, हम इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से आप इस अभिक्रिया को याद रखिए कि ये एक नाम अभिक्रिया भी है जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इसके अलावा मैंने यहां पर एक टॉपिक और भी लिया हुआ बेंजीन से बीएचसी। बच्चों बेंजीन का जो अणु सूत्र है वो मैंने आपको बताया C6H6 है ना, इस तरह से बच्चों ये बेंजीन का अणु सूत्र होता है। आप याद रखिए कि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर ना, ये आप देख पा रहे हो जो इसके कोने हैं, यहां प्रत्येक कोने पर बच्चों एक एक कार्बन उपस्थित है, प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और एकांतर क्रम में इनके बीच में एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी कि बच्चों मैंने उसकी आपको संरचना सूत्र दिखाने की कोशिश की है, और मैंने यहां पर तीन अणु क्लोरीन के लिए हुए। बच्चों जब ये क्रिया होगी तो ये सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, और प्रत्येक जो क्लोरीन है वो एक एक कार्बन पर जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, प्रत्येक कार्बन पर एक एक
जुड़ जाएगी। और बच्चों इस तरह से ये क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी और जो प्रोडक्ट है आपका वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक एक क्लोरीन आकर जुड़ा हुआ, यानी कुल मिलाकर जो अणुसूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, C6H6 और Cl6। बच्चों ये जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड को हम बोलते हैं BHC। बच्चों बाजार में ये जो BHC है वो गैमेक्सिन लिंडेन के नाम से भी उपलब्ध है, जो कि एक बहुत अच्छा पेड़ पौधों को मतलब वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उर्वरक, एक अच्छा रसायन के रूप में उपयोगी है। तो बच्चों ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी जो मैंने आज आपके साथ ली। इन अभिक्रियाओं को आप लगातार बार बार प्रैक्टिस में लीजिए और इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से सीखिए, ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।